हेलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट सेकंड चैप्टर। और इसमें हम एक वीडियो बना चुके थे जिसमें मैं पढ़ा चुकी थी कि किस तरह से भारत के सामने जो चुनौती थी वो डेमोक्रेटिक चुनौती थी शुरू में, और वो थी इलेक्शन करवाने की। इलेक्शन करवाने के लिए हमारे देश में इलेक्शन कमीशन है और उसकी स्थापना 1952 में 1950 में हमने की, 25 जनवरी 1950 को। और सबसे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर बने वो थे सुकुमार सेन। पहले हमारे देश में सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, अब तीन हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। 1993 में ये हमने सेटअप किया। तो इस तरह से किस तरह से आगे कार्रवाई बढ़ी यहाँ पे हम पढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन जैसे स्थापना हुई, नई सरकार को ये लग रहा था, जो हमारी अंतरिम सरकार थी नेहरू और उसकी जो मेंबर थे सरकार के, वो लग रहा था कि 1950 में 51 में हम चुनाव करवा लेंगे। लेकिन हमारे देश में इतना बड़ा लेवल पे चुनाव करवाना कोई संभव नहीं था। सबसे पहले पहले अडल्ट फ्रेंचाइज हमने अपनाया था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके आधार पर हम सभी नागरिकों को जो 21 साल की उम्र हो चुकी थी जिसकी, उसको वोट देने का अधिकार दे रहे थे। तो इससे पहले वोटर लिस्ट थी ही नहीं, मतलब चुनाव तो होते थे लेकिन बहुत कम लोग चुनाव में भाग लेते थे। अब हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की प्रक्रिया अपनाई थी, तो हम हर व्यक्ति जो 21 साल का अडल्ट हो चुका था उसको हम वोट का अधिकार दे रहे थे। तो अब बहुत बड़ी जनसंख्या को अंडर वोटिंग लिस्ट लेके आना था, और सबसे ज़्यादा समस्या महिलाओं की थी। वो तो एज अ वाइफ एज अ डॉटर लिखी हुई थी, कहीं भी उनकी आइडेंटिटी थी तो उनकी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी नहीं थी। 17 करोड़ एलिजिबल वोटर थे उस टाइम, 21 साल उम्र थी, अब तो 18 साल कर दी गई है। उसको हम वोटर लिस्ट में लेके आए। वोटिंग मशीन वगैरह का कुछ था नहीं, क्योंकि ये तो 1990 में आए हैं। पर्चियाँ डालकर इलेक्शन करवाया जाता था। तो देखते हैं क्या क्या कार्रवाई हुई। बट द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट इट वॉज नॉट गैंग टू बी ईजी टू होल्ड ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन ए कंट्री ऑफ इंडिया। और इंडिया एक वास्ट साइज का कंट्री, आपको पता है, कहीं पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं, कबीले हैं, वहाँ तक मतलब इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल होता है। होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन और ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। और सबसे पहले आप जैसे 9th में पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र को बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र जिसके अंदर हमने एक निश्चित संख्या के निर्वाचक गण को रखना होता है। मान लो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जींद है, एक एमएलए या एक एमपी के पीछे हमारी एक जनसंख्या होती है 20 लाख या 10 लाख। 20 लाख एमपी के लिए रखते हैं, 10 लाख एमएलए के लिए रखते हैं, अब तो खर्च ज़्यादा है। 1976 के आधार पर हमने यही जनसंख्या अभी तक रखी है। तो उन 20 या 10 लाख जो लोग थे उनके एक हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी थी, उसका नाम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिखना था वोटर का, जहां वो वोट दे सकता है। और ये पहले थी नहीं, पहले तो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी। अब धीरे धीरे हम क्योंकि 543 लोगों का चुनाव, खैर 543 का तो अब होने लगा है, उस टाइम 483 का इलेक्शन हुआ था, 89 का लोकसभा के इलेक्शन में, और उसके साथ 3200 एमएलए जो भिन्न भिन्न राज्यों की सरकार बनाएंगे उनका इलेक्शन हुआ। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद वोटर लिस्ट तैयार की गई। इट आल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोल रोल्स। इलेक्ट्रोल रोल का मतलब वोटिंग लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट। इलेक्ट्रोल रोल बनाएगा ऑफ द लिस्ट ऑफ द सिटीजन एलिजिबल टू वोट, ऐसे लोगों की लिस्ट जो वोट देने के काबिल हैं। बोथ दीज टास्क टू के लॉट ऑफ टाइम, ये काम बहुत समय लेने वाला था। व्हेन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ रोल वाज पब्लिश्ड, जैसे ही फर्स्ट ड्राफ्ट उसका निकला वोटर लिस्ट का, इट वाज डिस्कवर्ड दैट द नेम ऑफ नियरली 40 लाख वुमेन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट। और 40 लाख वुमेन्स का तो नाम ही नहीं आया। देवर सिंपली लिस्टेड एज वाइफ, उनका नाम लिखा हुआ था वाइफ ऑफ, एज अ डॉटर ऑफ, मतलब किसी की बेटी है, किसी की वाइफ है, उनका खुद का नाम
रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर से दोबारा से लिस्ट आई। द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस एंट्री एंड ऑर्डर टू रिविजन इफ पॉसिबल डिलीशंस इफ नेसेसरी प्रिपेयरिंग। और इस इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि इस तरह की एंट्री को हम परमिशन नहीं देंगे, और दोबारा से रिवाइज की गई लिस्ट। प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज ए मैमोथ एक्सरसाइज। मैमोथ मैंने बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। नो इलेक्शन ऑन द स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड। इससे पहले संसार में इतना बड़ा इलेक्शन कभी हुआ नहीं था। एट द टाइम देयर, क्यों? क्योंकि उस टाइम भी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, और बहुत सारे देशों ने तो, जैसे इंग्लैंड वगैरह जो डेमोक्रेसी थी, उन्होंने तो अपने बहुत सारे हिस्से को, पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को वोट देने का अधिकार ही नहीं दिया था। तो भारत उस टाइम भी एक बड़ी डेमोक्रेसी थी, और एक बड़ा इलेक्शन विश्व में हो रहा था इंडिया की तरफ से। एट द टाइम देयर वर 70 करोड़ एलिजिबल वोटर, और 70 करोड़, 17 करोड़ लोग ऐसे थे जो वोट दे सकते थे। 3200 एमएलए इलेक्शन में खड़े हुए थे, 489 लोग लोकसभा के लिए खड़े हुए थे। ओनली 15% वोटर ऑफ एलिजिबल वोटर वर लिटरेट, सिर्फ 15% लोग पढ़े लिखे थे। Therefore, the election commission had to think of some special method of voting. The election commission trained over 3 lakhs officer and polling staff to conduct the election. और ये एक बड़ा काम था, ये बड़ी चुनौती थी इलेक्शन कमीशन के लिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो अनपढ़ है उसको वोट कैसे डाले जाएं उनके द्वारा। 3 लाख ऑफिसर को उन्होंने ट्रेंड किया। ऑफिसर जैसे ही, मतलब कोई भी किसी डिपार्टमेंट में कोई इलेक्शन काम कर रहा हो, कोई भी मेंबर, बाद में जब इलेक्शन कमीशन में उसकी ड्यूटी लगती है तो वो इलेक्शन कमीशन का ही मेंबर हो जाता है। उसके लिए ट्रेनिंग होती है, अब भी होती है। जैसे इट वाज नॉट जस्ट द साइज ऑफ कंट्री एंड द इलेक्ट्रोल दैट मेड द इलेक्शन अनयूजुअल। ये कंट्री इतना बड़ा था जिस जो न केवल साइज उसका, बल्कि एक इतना बड़ा देश जो पुअर है, बहुत गरीबी थी उस देश में, और लिटरेट जो बहुत ज़्यादा अनपढ़ता है, जिसमें केवल 17% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं जो वोट डाल रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी पढ़े लिखे लोगों की सिस्टम होता है, एक अनपढ़ व्यक्ति अपना वोट का सही प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन भारत में ये बहुत अच्छी बात रही है कि हमारे जो देश के लोग हैं वो चाहे अनपढ़ थे, अनपढ़ता थी उनमें, बट वो पॉलिटिकल रूप से जागरूक थे, पॉलिटिकल रूप से वो इस काबिल थे कि वो अपने वोट का सही प्रयोग कर सके। ठीक है, उसके बाद टिल देन डेमोक्रेसी हैज एग्जिस्टेड ओनली इन द प्रोपेरियस कंट्री। अभी तक जो डेमोक्रेसी थी वो सिर्फ और सिर्फ जो समृद्ध देश थे, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देश, वहाँ पर डेमोक्रेसी थी, मेनली यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ हर कोई पढ़ा लिखा था। ये फर्स्ट टाइम हो रहा था कि, और अभी तक भी उन देशों ने, यूरोप के देशों ने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया था। वो समझते थे कि महिलाएं इस काबिल नहीं है कि वो वोट दे सकें, वो घर के काम के लिए हैं, उनमें इतनी समझ नहीं है कि वो अपने मत का सही प्रयोग कर सके। लेकिन भारत में तो चाहे अनपढ़ था, चाहे औरत थी, मजदूर था, किसान था, सभी को हम वोट का अधिकार दे रहे थे। इसलिए एक यूनिक चीज़ थी, और इसीलिए जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे बहुत सारे देशों के, वो ये मान रहे थे कि भारत का जो डेमोक्रेसी है, भारत का जो इलेक्शन सिस्टम भारत ने अपनाया, वो कभी सक्सेस नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन ये हुआ, सक्सेस भी हुआ और आज तक है। इट वाज नॉट जस्ट द साइज, बल्कि पुअर और इलिटरेट कंट्री था। टिल देन द डेमोक्रेसी हैज एग्जिस्टेड ओनली द प्रोपेरियस कंट्री। अभी तक सिर्फ जो यूरोप के समृद्ध देश थे वहीं पर डेमोक्रेसी थी, महिलाओं का अधिकार तो वहाँ भी नहीं था। भारत में पहला एक्सपेरिमेंट था जहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया गया था। ये कार्टून है कोई, इस कार्टून में जो मेन लीडर हैं ये नेहरू और दूसरे जो नेता हैं कांग्रेस के, वो टिकट बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और टिकटों के दावेदार इतने सारे लोग हैं क्योंकि सारे लोग ये समझते थे कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और हमें भी वो इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए।
ये देखो एक कार्टूनिस्ट है इम्प्रेशन कर रहा है इलेक्शन कमेटी, टिकट देते हैं ना जैसे इलेक्शन कमेटी कोई भी पार्टी का, कि वो 1951 में और वो सारे लोग जो है अपनी अपनी टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद है चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग, हमारे देश में किस तरह से वोटिंग का मेथड बदला। पहले जो वोटिंग होती थी हमारे यहाँ वो बैलेट सिस्टम के द्वारा होती थी। बैलेट सिस्टम का मतलब होता है जैसे पर्चियाँ डाल के मोहर लगा के किसी भी बंदे का के नाम के आगे साइन करके इस तरह से आप वोट डालते थे। बट अब इलेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई हुई है जिस तरह से आप बटन दबाकर वोट कास्ट कर सकते हो अपना। These days we use electronic voting machine, EVM कहते हैं इसे, electronic voting machine को, वो वोटर को रिकॉर्ड करती है। और अब तो और भी अच्छा कर दिया, पहले जब आप electronic voting machine का प्रयोग करते थे तो ये बहुत सारी political party objection करती थी कि जो electronic voting machine में कुछ खराबी, आप पेपर निकलता है जैसे ही आप वोट डालते हो तो पर्चियाँ निकल आती हैं कि आपने इसी को वोट डाला और आपका वोट वहीं गया है जहां आप डालना चाहते थे। बट दैट इज नाउ हाउ वी स्टार्ट, कैसे ये शुरू हुआ। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में इट वाज डिसाइड टू प्लेस इनसाइड ईच पोलिंग बूथ ए बॉक्स फॉर ईच कैंडिडेट विद इलेक्शन सिंबल ऑफ दैट कैंडिडेट। देखो पहले क्या होता था, मान लो ये 6-7 कैंडिडेट है, ठीक है, इसके लिए ऐसे बॉक्स रखे होते थे कि ये कमल के फूल वालों का है, ये हाथी वालों का है, ये जो पाम है उसका हथेली है उसका निशान है, तो इस तरह से वोट कास्ट होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ईच वोटर वाज गिवन ए ब्लैंक बैलेट शीट, एक ब्लैंक पेपर दिया जाता था और उसके साथ वो बॉक्स में डालता था जिसे वो जिसके जिस कैंडिडेट को वो वोट देना चाहता था। अबाउट 20 lakh स्टील बॉक्स वर यूज टू द पर्पज, ए प्रेजिडेंजिंग ऑफिसर फ्रॉम पंजाब डिस्क्राइब हाउ ही प्रिपेयर द बैलेट बॉक्स। 20 lakh स्टील बॉक्स अपनाए गए थे सारे देश में इसको डालने के लिए, और एक पंजाब का ऑफिसर था इलेक्शन ऑफिसर, उस वो डिस्क्राइब करता है कि काम कैसे हमने इन बॉक्सेस को तैयार किया। ईच बॉक्स हैड टू हैव इट्स कैंडिडेट सिंबल, हर एक बॉक्स पर उसके कैंडिडेट का सिंबल होता है, जैसे ये पेड़ का निशान है किसी पर इसी तरह उसके बॉक्स पर निशान लगा दिया जाता। और उसके बाद बोथ साइड एंड आउट साइड, बाहर भी और अंदर भी, एंड आउट साइड ऑफ आइदर साइड हैड टू बी डिस्प्लेड द नेम ऑफ द कैंडिडेट इन उर्दू हिंदी और पंजाबी, मतलब तीन भाषाओं में उसका नाम लिख दिया जाता कि जो पढ़ा लिखा है वो जान जाए उसके नाम से और अनपढ़ जान जाए उसके सिंबल से कि ये किस कैंडिडेट का वोट है। उसके बाद द पेपर सील विद द न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैंडिडेट साइंड बाई द प्रेजिडेंडिंग ऑफिसर हैड टू बी इंसर्टेड इन द टोकन फ्रेम एंड इट्स विंडो क्लोज बाई इट्स डोर विच हैड टू बी फिक्स्ड ऑन इट्स प्लेस एट द अदर एंड बाई मीन्स ऑफ द वायर। मतलब ये है कि कैसे खिड़की बनाई गई, खिड़की से वोट डाले गए, जो प्रेजिडेंडिंग ऑफिसर है उनके सिग्नेचर हुए कि ये कैंडिडेट है और ये सिंबल है उसका, इस तरह से पहले उसमें डाले गए। लेकिन अब जो है 1994 के आसपास हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई थी। 2004 तक सारे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होने लगा था। 1990 में इलेक्शन कमीशन ने EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। एक व्यक्ति और है TN Session, इसका नाम आप जरूर याद रखना। TN Session ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की के इलेक्शन सिस्टम में बहुत सुधार किए। एक बार तो वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी बनाए गए थे लेकिन बाद में उनके नाम पर सहमति नहीं हुई। मतलब उनका एक बड़ा नाम है पॉलिटिकल सुधारों में। उसके बाद अपीयर्ड वेरी बोल्ड एंड रिस्की, ये काम बहुत ही बहादुरी वाला और जोखिम भरा था कि आप सभी को वोटिंग का अधिकार दे रहे हो, ऐसे लोगों को भी जिसको अपने मत का पता ही नहीं है कैसे वोट डालना है।
इंडियन एडिटोरियल कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री, और भारत के इलेक्शन के बारे में कहा गया ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है, कि एक बार जीत गए तो ठीक है, हार गए तो बड़ा मुश्किल होगा, आप सबको वोट का अधिकार दे रहे हो। ऑर्गेनाइजर ए मैगजीन राइटर द जवाहरलाल नेहरू वुड लाइव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। एक मैगजीन थी, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा था कि ये अडल्ट फ्रेंचाइज की फेलियर को जरूर स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ए ब्रिटिश नंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस क्लेम्ड दैट ए फ्यूचर एंड मोर इनलाइटेंड एज विल व्यू विद एस्टोनिशमेंट द ऑब्जर्व फोर्स ऑफ द रिकॉर्डिंग द वोट ऑफ मिलियन इलिटरेट पीपल। द इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन्ड ट्वाइस एंड फाइनली हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952। जो इलेक्शन है दो बार पोस्टपोन्ड हुए, भाई तैयारी नहीं हुई थी। अंत में अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 4 महीने तक लगभग ये इलेक्शन चले, क्योंकि चरणों में होता है ना, अब भी इलेक्शन में 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं, क्योंकि जैसे एक जोन बांट दिया जाता है, जैसे भारत एक बड़ा देश है तो ये मान लिया जाता है कि इस जोन में जो है उत्तर जोन में इलेक्शन इस तारीख को होंगे, दक्षिण में इस तारीख को होंगे, तो इस तरह से अलग अलग जोन बांट दिए जाते हैं, बड़ा देश है इस वजह से। बट दिस इलेक्शन इज रेफर्ड टू एज द 1950 इलेक्शन सिंस मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री पोलिंग एंड कंटिन्यूइंग टू बी कंप्लीट। और बहुत सारे देशों में, बहुत सारे राज्यों में हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ जनवरी 1952 में। इट टुक 6 मंथ फॉर कंपेनिंग पोलिंग एंड काउंटिंग टू बी कंप्लीट। 6 मंथ लगे राजनीतिक दलों को कैंपेन करते हुए, वोटिंग डालते हुए और काउंटिंग करते हुए। इलेक्शन वर कंपिटिटिव, देयर वर नो ऑन एन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स फॉर ईच सीट। और हमारा इलेक्शन सिस्टम भी शुरू से ही कंपिटिटिव रहा है। कंपिटिटिव का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट थे, जो एक ही सीट पे, एक ही सीट के कई कई दावेदार खड़े थे, और एवरेज थी कि हर सीट पर 4 कैंडिडेट तो थे ही थे। आज तो खैर 15-15 हो जाते हैं एक एक सीट पे। दिस लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वार इनकरेजिंग मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर टर्न्ड आउट टू बी वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। और उस टाइम भी चाहे हमारा देश अनपढ़ था, गरीब था, ट्राइबल्स था, मुश्किलों में था, लेकिन 50% लोग घरों से बाहर आए, वोटिंग डाली, वोटिंग की, अपने वोट को कास्ट किया। आज भी हमारे देश में अच्छी परसेंटेज है, एवरेज 75-77 तक हमारे यहाँ वोटिंग, वोट कास्ट होती है। तो उस टाइम भी चाहे हमारे मतदाता पुअर थे, वो थे अनपढ़ थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो पॉलिटिकल रूप से बहुत सचेत थे। मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर टर्न्ड आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन। व्हेन द रिजल्ट वर डिक्लेयर दीज वर एक्सेप्टेड एज फेयर इवन बाय द लूजर। और रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर हुआ, जो लूजर थे मतलब जो जीत नहीं पाए, उन्होंने भी माना कि हमारा जो इलेक्शन था फेयर था। फेयर का मतलब इसमें कोई धांधली नहीं हुई, और इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छी तरीके से चुनाव करवाए। द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड टू बी क्रिटिक रोंग। और जितने भी ऊपर आलोचनाएँ थी भारतीय इलेक्शन के बारे में कि ये बुरी तरह से फेल हो गया, इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो सब बेकार हो गए। मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पोल्स हैड कन्फाउंडेड ऑल दोज स्पेक्टिक्स हु थॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज टू रिस्की एन एक्सपेरिमेंट इन द कंट्री। और एक इंडियन टाइम्स है, उसने लिखा था कि ये सारे भारत में अडल्ट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में जो कहा जा रहा था, जो भ्रम फैलाया जा रहा था, वो सब गलत साबित हुए कि इस देश में जो अडल्ट फ्रेंचाइज रिस्की होगा। द हिंदुस्तान टाइम्स क्लेम्स दैट, ये अखबार है उस टाइम के बहुत प्रसिद्ध, उन्होंने लिखा, देर इज ए यूनिवर्सल एग्रीमेंट दैट द इंडियन पीपल हैव कंडक्टेड देमसेल्वेस एडमायरली द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, या हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। ये अब्दुल कलाम जी हैं भाई, ये फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे, फ्रीडम फाइटर थे, हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे,
और जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के पार्टीशन हुआ, तो वो यहीं रह गए और कांग्रेस के महान लीडर थे। उसके बाद द हिंदुस्तान टाइम्स क्लेम कि भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो बहुत प्रशंसनीय काम किया और वर्ल्ड के लिए एक एक्सपेरिमेंट था और एक्सपेरिमेंट जो सफल रहा। ऑब्जर्वर आउटसाइड इंडिया वर इक्वली इम्प्रेस्ड। जो भारत बाहर के देशों से ऑब्जर्वर आए हुए थे ना सर्वेक्षण के लिए, जिन्हें ये लग रहा था कि कैसे एक बड़ी डेमोक्रेसी सफल होगी इलेक्शन करवाने में, वो बड़े इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए। इंडिया जनरल इलेक्शन इन 1952 बिकम ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे संसार में एक सीमा चिन्ह बन गया और दूसरे देशों को भी प्रेरणा मिली कि डेमोक्रेसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका देश पुअर और लिटरेट है तब भी आप डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक पढ़े लिखे देश के लिए ही डेमोक्रेसी सफल हो। और मैं आपको बता दूं, जब भारत का पार्टीशन हुआ पाकिस्तान का, और उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, लेकिन 1970 में जाके वहाँ इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन क्या हुए थे, वहाँ बार बार मिलिट्री रूल आया। इट वाज, और यही सक्सेस है भारत की कि आज भारत एक बहुत डेवलप कंट्री है, बहुत चीज़ों में हम आगे निकल गए हैं हमारे पड़ोसी देशों से। इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट द डेमोक्रेटिक इलेक्शन कुड बी हेल्ड इन कंडीशन ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और वो लोग जो ये कहते थे कि पॉवर्टी और अनएजुकेशन की स्थिति में इलेक्शन डेमोक्रेसी सफल नहीं हो सकती, उनके लिए एग्जाम्पल बन गया। इट प्रूव्स दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिसाइज इन एनी वेयर इन द वर्ल्ड। और ये साबित हो गया कि डेमोक्रेसी कहीं भी और कैसे भी लाई जा सकती है इस संसार में। कांग्रेस डोमिनेशन इन द फर्स्ट थ्री इलेक्शन जनरल इलेक्शन। अब हम चैप्टर ये पढ़ रहे थे कि वन ईरा पार्टी डोमिनेशन, और ये 1967 तक रहा कि जैसे ही इलेक्शन भारत में हुए 1952 में, कांग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत जो है वो इलेक्शन में जीत कर आया और कांग्रेस की सरकार बनी। नेक्स्ट जो थ्री इलेक्शन रहे 1952 के बाद, 57 में, 62 में, 67 में, कांग्रेस हमेशा जीतती रही। इस वजह से नहीं कि धांधली करवाई या मिस मेल प्रैक्टिसेस अपनाई गई, इसलिए कि कांग्रेस के जो लीडर थे वो पॉपुलर थे जनता के बीच में, और ये पार्टी जीतती रही। और दूसरी और जो हमारे यहाँ ओपोजिशन पार्टियाँ तो बहुत थी, और इन ओपोजिशन पार्टियों का जो बिखराव था वो कांग्रेस के लिए एक रामबाण सिद्ध हुआ लंबे समय तक शासन करने में। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। पहला इलेक्शन कोई सरप्राइज करने की बात नहीं थी कि कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम थी ही इतनी लोकप्रिय, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में उसका एक बड़ा रोल था भारत को आज़ाद करवाने में। जितने भी लोगों के बीच में लीडर काम कर रहे थे वो सारे कांग्रेस के ही थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्सपेक्टेड टू विन द इलेक्शन। सभी को उम्मीद थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जीतेगी। द कांग्रेस पार्टी एज इट वाज पॉपुलरली नोन हैड इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम की विरासत थी इनके पास, और जो कांग्रेस के लीडर थे वो लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे। उनकी जगह पर किसी भी दूसरे को इलेक्शन वो जितवाना कल्पना से बाहर था। इट वॉज द ओनली पार्टी देन देन टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और ये एक ही पार्टी थी जो सारे देश के कोने कोने में फैली हुई थी। आगे आप पढ़ोगे कि किस तरह से इसको एक छाता सिस्टम कहा गया या वन डोमिनेट पार्टी कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें समाज का हर वर्ग, हर तबका शामिल था, चाहे वो महिला थी, पुरुष थी, कैपिटलिस्ट थे, मजदूर थे, किसान थे, लैंडलॉर्ड्स थे, पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, सब कांग्रेस के में शामिल थे। कांग्रेस की जड़ें देश के हर कोने में फैली हुई है। ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि हमारे देश की इतनी बड़ी पार्टी जो है वो अब आके जड़ें खो रही है, जब देश को उनकी बहुत ज़रूरत है। एंड फाइनली इन जवाहरलाल नेहरू द पार्टी हैड द मोस्ट पॉपुलर एंड करिश्मेटिक लीडर इन द इंडियन पॉलिटिक्स। और भारत की राजनीति में करिश्मा हमेशा काम करता है, पार्टी से ज़्यादा एक व्यक्ति का करिश्मा काम करता है। जैसे उस टाइम नेहरू जी का करिश्मेटिक करिश्माई नेतृत्व था, करिश्माई पर्सनैलिटी थी उनकी, लोग उन्हें पसंद करते थे, देखना चाहते थे उनको रूल करते हुए।
ही लीड द कांग्रेस कैंपेन, उन्होंने कांग्रेस का चुनाव अभियान की लीडरशिप की, एंड टॉर्ड थ्रू द कंट्री, और सारे देश में उन्होंने टूर किया। व्हेन द फाइनल रिजल्ट वर डिक्लेयर, जैसे ही फाइनल रिजल्ट आए, द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस डिड सरप्राइज मैनी। द पार्टी वॉन 364 ऑफ द 489 सीट इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन एंड फिनिश्ड वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर। और सबसे पहले ही जब ये पार्टी जीत कर आई, 364 सीटें इसने 489 में से जीती। क्या आपको पता है कि वर्तमान जो पार्टी है उसके पास कितनी सीटें हैं? बीजेपी के पास 543 में से 303 सीटें हैं बीजेपी के पास, और इसे भी बहुत बड़ी लोकप्रिय पार्टी माना जाता है। लेकिन उस टाइम की लोकप्रियता देखो कि 489 सीटों में से 364 सीटें कांग्रेस को मिली, और ये एक सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई। कोई दूसरा चैलेंज करने वाला था ही नहीं, क्योंकि 50% प्लस वन से हमारे देश में सरकारें बनती हैं, और 50% प्लस वन से तो कहीं ज़्यादा ये सीटें उनके पास थी। दूसरी जो बड़ी पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, और ओनली सिर्फ और सिर्फ 16 सीटें थी उसके पास, 16 सीटें थी जी वो बड़ी पार्टी थी। इसका मतलब और छोटी छोटी पार्टियां थी जो इससे भी कम सीटों के साथ ओपोजिशन में बैठी थी। द स्टेट इलेक्शन वर हेल्ड विद द लोकसभा, और इसके साथ ही हमारे देश में एक बड़ा अच्छा रूल ये था कि लोकसभा के इलेक्शन के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शन हो जाते थे, स्टेट असेंबलीज के। उस टाइम 14 ही स्टेट थे, बाद में बनी हैं ये तो इतने सारे स्टेट, तो और बार बार इलेक्शन नहीं होते थे, बार बार कैंपेनिंग नहीं करना पड़ता था, बार बार काम नहीं रोकने पड़ते थे। अब भी ये सरकार भी चाह रही है कि एक इलेक्शन होना चाहिए, काफ़ी पैसा और काफ़ी टाइम बच जाएगा। शायद बीजेपी गवर्नमेंट ये करे कि हमारे देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का इलेक्शन एक साथ ही हो जाए। द स्टेट इलेक्शन वर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं भाई, और ये वो सीटें हैं कांग्रेस ने जीती हैं। जो एक केरला की सीट है सिर्फ रेड में, आप देखते हो ये जो जहां पर कांग्रेस नहीं आई, जम्मू कश्मीर में कुछ और सिस्टम था, 1956 में वहाँ इलेक्शन हुए थे, और बाकी सारी सीटों पर आप देखो सारा इलाका कांग्रेस के द्वारा जीता हुआ है। मैप को थोड़े से ध्यान से देख लिया करो, बहुत अच्छा रहता है। उसके साथ लोकसभा के साथ स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन में कांग्रेस स्कोर्ड वेरी बिग विक्ट्री इन दिस इलेक्शन, और स्टेट्स में भी मतलब राज्यों की विधानसभाओं में भी कांग्रेस की सरकारें ही थी। इट वॉन ए मेजोरिटी ऑफ सीट इन ऑल द स्टेट एक्सेप्ट द, लेकिन कुछ राज्यों में कांग्रेस की जीत नहीं थी, मेनली केरला में। केरला में आपको मैं बता दूँ कम्युनिस्ट पार्टी का ज़्यादा वहाँ फैलाव था, और आज भी केरला में कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ही शासन कर रही है। कांग्रेस केरला में कम्युनिस्टों की जड़ काफ़ी गहरी है। मद्रास और उड़ीसा, मद्रास की स्थिति और थी क्योंकि वहाँ पर जस्टिस पार्टी काम कर रही थी जो ब्राह्मणों के खिलाफ थी, द्रविड़ आइडेंटिटी पर आधारित थी। मतलब ये था कि ये क्षेत्रीय प्रभाव में आ गए थे ये राज्य, ठीक है। नेशनल मूवमेंट के दौरान जहाँ सारा भारत एक हो गया था, वहाँ केरला, मद्रास और उड़ीसा जैसे स्टेट्स जो हैं वो अब भी क्षेत्रवाद से ग्रस्त थी। फाइनली इवन दिस स्टेट ऑफ द कांग्रेस फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, वहाँ उनको मेजोरिटी तो नहीं मिली, लेकिन किसी तरह से जोड़ तोड़ से कांग्रेस वहाँ सरकार बनाने में सफल हो गई, जैसे गठबंधन की सरकारें बनती हैं, अलायंस बनते हैं। सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री, सारे देश में कांग्रेस का शासन था, एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल भी। एज एक्सपेक्टेड जवाहरलाल नेहरू बिकम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। नेहरू जी पहले भी भारत के प्रधानमंत्री थे 1947 में, और उसके बाद जो है इलेक्शन के बाद भी वही प्रधानमंत्री रहे। ए लुक एट द इलेक्ट्रोल मैप ऑन द प्रीवियस पेज वुड यू हैव ए सेंस ऑफ डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग द पीरियड 1952 से 1962। मतलब भारत में कांग्रेस का डोमिनेंस रहा 1952 से 1962 तक, लेकिन ये 67 इसलिए नहीं मिला रहा क्योंकि 67 में काफ़ी सीटें घट गई थी, वहाँ सिर्फ 283 ही सीटें मिली थी, जहाँ कांग्रेस को 300 350 सीटें से ऊपर ही सीट मिलती थी।
1967 में 283 सीटें ही इसको मिली। बहुत सारे कारण हुए जिनको हम डिस्कस करेंगे। ए लुक एट द इलेक्ट्रोल मैप ऑन द प्रीवियस पेज, वो हो गया है। द कांग्रेस मेंटेन द सेम पोजीशन इन लोकसभा बाय विनिंग 3/4 ऑफ द लोकसभा सीट। नॉन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी कुड विन इवन द 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ सीट वोन बाय द कांग्रेस। इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन द कांग्रेस डिड नॉट वोन इन द इलेक्शन। बहुत सारे स्टेट्स में वो इलेक्शन नहीं जीत पाई और इनमें से केरला थी। केरला में 1957 में सबसे पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित हुई और ये दुनिया की सबसे पहली हुई चुनी हुई भी क्या, पॉलिटिकल कंपटीशन के द्वारा चुनी हुई। पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब होता है ऐसा इलेक्शन जिसमें बहुत सारी पार्टियां भाग लें, और जो भारत की डेमोक्रेसी में तो वैसे ही बहुत सारी पार्टियां भाग लेती हैं, लेकिन जो केरला की सरकार थी वो पहली कम्युनिस्ट सरकार थी संसार में जो मल्टीपल या पॉलिटिकल कंपटीशन के द्वारा बनी थी। लेकिन इसको तोड़ दिया गया था 2 साल के अंदर ही। क्यों? क्योंकि इस पार्टी को फुल बहुमत नहीं मिला था। इसको 64 सीटों की ज़रूरत थी बनने के लिए, लेकिन इसके पास 60 ही सीट थी। 4 सीट के उसमें अंतर में ही ये 2 साल चली गवर्नमेंट, लेकिन बाद में कांग्रेस ने ही कंट्रोल कर लिया था इस राज्य पर। द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाई अवर इलेक्शन सिस्टम। और इस तरह से कांग्रेस का जो इलेक्शन, कांग्रेस की जो जीत थी, उन्होंने इलेक्शन सिस्टम को भी बूस्ट किया। क्यों बूस्ट किया? क्योंकि सब कुछ ठीक हो रहा था, कोई धांधलेबाजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दूसरी बात, जो कोएलेशन गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, जनता ने क्लियर कट बहुमत दिया, तो जनता की भी बहुत बड़ी भागीदारी रही इलेक्शन सिस्टम को सफल बनाने में। द कांग्रेस वॉन 3 out of every 4 सीट बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट्स इन 1952। देखो हमारे देश में क्या होता है, इलेक्शंस जितनी सीटें जीतता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उतना वोट नहीं जीत पाता, क्योंकि वोट में और सीट में हमारे यहाँ फर्क रह जाता है। क्योंकि वोट सीट को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा वोटों की ज़रूरत होती है, और सरकार बनाने के लिए 50% प्लस 1 सीट की ज़रूरत होती है। मान लो एक ही सीट पर 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो सबसे ज़्यादा वाला कैंडिडेट को 26% वोटों की ज़रूरत होती है, वो जीत जाता है। लेकिन सीट 50% प्लस हाफ चाहिए। तो इस तरह से 1952 में चाहे पार्टी कितनी ही पॉपुलर थी, फिर भी इसको 45% से ज़्यादा वोट नहीं मिले। लेकिन उसको सीट कितने मिली? 74%। द सोशलिस्ट पार्टी द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म ऑफ वोट। सीटों में तो आपको पता ही, कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन वोट्स में सेकेंड जो लार्जेस्ट पार्टी थी वो थी सोशलिस्ट पार्टी, जिसको 10% वोट मिले थे सारे भारत से, जबकि कांग्रेस को मिले थे 45%। बट इट कुड नॉट इवन विन 3% वोट द सीट। लेकिन सीट वो ज़्यादा नहीं जीत पाई, 3% ही सीट जीत पाई। हाउ डिड दिस हैपन? ये क्यों होता है हमारे देश में, ये मैं प्लस वन में आपको बहुत अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। क्योंकि हमारे देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। फर्स्ट द पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब है कि अग्रता ही विजेता है। अग्रता ही विजेता का मतलब जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है, चाहे वो वोट कितने ही हों, वो ही विजेता घोषित कर दिया जाता है, और इस तरह से सीटें भी उसे मिलती जाती हैं। ठीक है। इन द सिस्टम ऑफ इलेक्शन दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, द पार्टी दैट गेट्स मोर सीट देन अदर टेंड टू गेट मच मोर देन द प्रोपोर्शनल शेयर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, ये हमारे देश के इलेक्शन सिस्टम के बारे में जो अखबार हैं वो दुनिया के क्या क्या कह रहे हैं उनके बारे में। ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की इन केरला में, और मैंने कुछ बातें तो आपको बता दी हैं। 1957 में कांग्रेस पार्टी को एक जगह हार मिली, और इतनी बड़ी पार्टी जब सब जगह जीत रही हो,
वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि एक छोटा सा राज्य भी उसे छीना जाए या उस छोटे से राज्य के लोग उसको स्वीकार ना करें। तो केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। इन द असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन मार्च 1957 द कम्युनिस्ट पार्टी वोन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सीट इन केरला लेजिस्लेचर। कम्युनिस्ट पार्टी की विजय हुई। द पार्टी वोन 60 out of 126। और मैं आपको बता दूं फार्मूला क्या है हमारे देश में सरकारें बनाने का। अगर सीटें 126 हैं तो इसका 50% + 1, इसका मतलब इसे चाहिए थी 64 सीटें सरकार बनाने के लिए, लेकिन इसको सीटें मिली थी 60। और 60 की सरकार नहीं बना सकते तो इसे क्या करना पड़ता है, दूसरी पार्टियों से अलायंस करना पड़ता है, गठबंधन करना पड़ता है। और इस गठबंधन को तोड़ना आसान होता है, क्या है, इन चारों को खरीद लो। कितनी सारी सरकारें अभी जो कांग्रेस की थी मध्य प्रदेश में वो तोड़ी गई बीजेपी के द्वारा, उसी तरह कर्नाटक में तोड़ी गई, और अब जो है सियासी घमासान मचा हुआ है। राजस्थान में आप देखोगे वहाँ भी जो सचिन पायलट है वो भागने को हैं, और इस तरह से वहाँ भी सरकार टूट जाती है। इसी तरह EMS नंबूरी पाद जो है वो कम्युनिस्ट के लीडर थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, सरकार बनाई उन्होंने, और फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड इस संसार में की पहली गवर्नमेंट थी कम्युनिस्ट पार्टी जो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा सरकार बनाई थी। ऑन लूजिंग पावर इन स्टेट, इस स्टेट में पावर लूज करते हुए द कांग्रेस पार्टी बिगिन ए लिबरेशन स्ट्रगल, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम चला दिया चुनी गवर्नमेंट के विरुद्ध। और CPI हैड टू कम पावर टू प्रोमिस द कैरिंग ऑफ रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर। कम्युनिस्टों ने कहा था कि हम आपके लिए बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएंगे। द कम्युनिस्ट क्लेम्ड दैट द एजिटेशन वर लीड बाई वेस्टेड इंटरेस्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, दैट द एजिटेशन वॉज लीड बाई इन 1959 द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर डिसमिस द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला एंड आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता 356 आपातकाल में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर फैल हो जाए किसी राज्य की तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो कम्युनिस्टों ने जो रिलीजियस ग्रुप वहाँ धार्मिक ग्रुप उसका विरोध कर रहे थे उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाए, तो कांग्रेस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए 1950 में मतलब 2 साल के अंदर ही 356 लगा दी वहाँ, धारा 350 राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, सरकार को हटा दिया गया चुनी हुई। और इसके पर बड़ा विवाद पैदा हुआ इस कारनामे पर कि ये देखना नहीं चाहते थे, कांग्रेस अपनी सरकार स्थापित करना चाहती थी। इस तरह से जो नंबूरीवाद थे वो देखो खुद ही विरोध कर रहे हैं, कम्युनिस्टों का झंडा है, और वो त्रिवेंद्रम जो उसकी राजधानी है वहाँ विरोध कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।